पीएफ विड्रॉवल प्रोसेस में किन किन कंडीशंस में आपका टीडीएस काटा जाता है और कितना टीडीएस काटा जाता है और ये टीडीएस ना काटा जाए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फॉर्म 15G या H कैसे आप भर सकते हैं, कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन उसको सबमिट कर सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ करने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आगे फ्यूचर में डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले जान लेते हैं कि किन सिनेरियोज में आपका टीडीएस काटा जाता है और किन में नहीं काटा जाता है। सिनेरियो नंबर 1, दोस्तों अगर आपका पीएफ का बैलेंस 50,000 रुपए से कम है और आपको 5 साल नौकरी करते हुए नहीं हुआ है तो आपका कोई भी टीडीएस काटा नहीं जाएगा। सिनेरियो नंबर 2, अगर आपका पीएफ विड्रॉवल का अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है और आपको नौकरी करते हुए 5 साल से कम समय हुआ है तो आपका 10% टीडीएस काटा जाता है, और अगर आपने पीएफ निकालते समय पैन नंबर अपडेट नहीं किया है तो आपका 30% तक हाईएस्ट रेट पर टीडीएस काटा जाता है। इस सिनेरियो में अगर आप फॉर्म 15G सबमिट कर देते हैं तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आगे चलते हैं सिनेरियो नंबर 3 पर। इस केस में अगर आपको अब नौकरी करते हुए 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। सिनेरियो नंबर 4, अगर आपकी नौकरी को 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और किसी बीमारी की वजह से आपको नौकरी को छोड़ना पड़ता है या फिर कंपनी के किन्हीं कारणों से बंद हो जाने पर आपका सर्विस ऑफ जॉब 5 साल से कम रहता है या फिर किसी ऐसे कारण से जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है आपको अपनी नौकरी 5 साल से पहले छोड़नी पड़ती है, उस स्थिति में आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आगे चलते हैं सिनेरियो नंबर 5 पर। अगर आप नौकरी बदलने पर एक पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 5 सिनेरियो जिसमें आपने जाना कि किन स्थिति में आपका टीडीएस काटा जाता है और किन स्थिति में आपका टीडीएस नहीं काटा जाता है अगर आप अपना पीएफ का विड्रॉल करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि किन सिनेरियोज में आपका टीडीएस काटा जाता है और किन में नहीं काटा जाता है, केवल एक ही सिनेरियो में आपका टीडीएस काटा जाता है, अगर आपका पीएफ का अमाउंट 50,000 रुपए से ऊपर है और आपको 5 साल से कम समय हुआ है अपनी नौकरी को करते हुए तो आपका 10% टीडीएस काटा जाता है। तो इस सिनेरियो में अगर आप पीएफ विड्रॉल करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपको सबमिट करना पड़ता है फॉर्म 15G को। फॉर्म 15G क्या होता है? फॉर्म 15G एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें कि आपके द्वारा यह डिक्लेयर किया जाता है कि जो मेरी फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम है मेरे पीएफ के अमाउंट को जोड़कर उस पर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है। दोस्तों, ये फॉर्म एक फाइनेंशियल ईयर तक ही वैलिड होता है। इस फॉर्म को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसको फिलअप कर सकते हैं, कैसे हम इसको ऑनलाइन सबमिट करेंगे, दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, इन सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। फॉर्म 15G डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। अपने वेब ब्राउजर को ओपन करना है और उसमें टाइप करना है www.incometaxindia.gov.in को टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको जाना है ऊपर, आप देखेंगे फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स पर। फॉर्म्स एंड डाउनलोड पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है तीसरे ऑप्शन पर, इनकम टैक्स फॉर्म्स पर। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो अगली स्क्रीन दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्म्स नीचे आपको दिखाई देंगे, फॉर्म 3CA 3CB, उसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको देखना है कि फॉर्म 15G कहाँ पर है। यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्म 15G राइट हैंड साइड पर पीडीएफ पर आपको क्लिक करना है और पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म 15G यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है और इसको फिलअप करना है। दोस्तों, फॉर्म 15G डाउनलोड करने के बाद उसको आप मैन्युअली भी फिल कर सकते हैं उसका प्रिंट आउट लेकर के, या फिर आप उसको पीडीएफ फाइल से डॉक्यूमेंट फाइल में कन्वर्ट करके अपने कंप्यूटर से भी फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे फिलअप करके। फॉर्म 15G जब आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्म दिखाई देता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका नाम पूछा जाएगा, नेम ऑफ असेसी, यहाँ पे आपको नाम भरना है। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर भरना है पैन ऑफ असेसी में। उसके बाद स्टेटस में आपको इंडिविजुअल भरना है। स्टेटस के बाद प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज बींग मेड, यानी कि जिस ईयर के लिए आप डिक्लेरेशन फिलअप कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे आपको भरना है। सपोज यहाँ पे 2020-21 में डाल देता हूँ। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको भरना है इंडियन। उसके बाद आपको पूरा अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है 6 7 8 9 10 11 12 तक आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको
फिलअप करना है। जीमेल आईडी जो भी आपकी है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है, xyz@gmail.com जो भी आपकी है। सपोज यहाँ पे मैंने xyz ले ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर या फिर आपका मोबाइल नंबर अगर कुछ है तो यहाँ पे आपको उसको डाल देना है। नेक्स्ट आते हैं वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका मतलब है कि अगर आप पिछले सालों में से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम टैक्सेबल बनी है तो उसको यस करेंगे, और नीचे आपको उस फाइनेंशियल ईयर को मेंशन करना है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी टैक्सेबल इनकम बनी थी। उसके बाद आते हैं एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, यानी कि जिसके लिए आप जिस वैल्यू के लिए आप डिक्लेरेशन ये फाइल कर रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है, यानी कि पीएफ अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है जो कि 50,000 से अबो है। तो यहाँ पे मैं 56,000 सपोज यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद 17 नंबर पे आते हैं एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ PY इन विच इनकम मेंशनड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड, यानी कि आपकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम कितनी है वो प्लस आपका जो PF का अमाउंट है वो उसका टोटल वैल्यू यहाँ पे आपको डालनी है, यानी कि 56,000 और आपकी जो भी फाइनेंशियल ईयर में इनकम है उसका टोटल आपको यहाँ पे डालना है। सपोज यहाँ पे 2,50,000 में डाल देता हूँ। नीचे चलते हैं 18 नंबर पे, डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म इज फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल में आपने कोई भी 15G फाइल किया है और कितने 15G फाइल करे हैं उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आपने एक फाइल किया है या दो फाइल करे हैं, जितने भी फाइल करें उसकी यहाँ पे काउंटिंग डालनी है और उसकी टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद चलते हैं 19 पर, डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। यहाँ पे उस इनकम की डिटेल डालनी है जिसके लिए हम यहाँ पे डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं, यानी कि पीएफ अमाउंट के लिए उसकी पीएफ की सारी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। सीरियल नंबर 1, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक अकाउंट, यानी कि आपको यहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। सपोज यहाँ पे आपको डालना होगा आपका UN नंबर। नेचर ऑफ इनकम में आपको डालना है प्रोविडेंट फंड। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल यहाँ पे डाल देते हैं 192A। अमाउंट ऑफ इनकम में आपको डालना है पीएफ का अमाउंट, जितना आपका पीएफ का अमाउंट है। उसके बाद डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको IV के बाद अपना नाम मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आपको जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं उसकी एंडिंग डेट डालनी है। सपोज 31 मार्च 2021 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि अगर मैं 31 मार्च 2021 डाल रहा हूँ तो असेसमेंट उसके 2021-22 होगा, तो यहाँ पे 2021-22 हम डाल देते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे भी आपको डेट सेम डेट डालनी है, उसके आगे जो भी उसका असेसमेंट ईयर है उसका डाल देना है। उसके बाद नीचे चलेंगे, प्लेस और डेट यहाँ पे आपको डाल देनी है। फॉर्म फिलअप करने के बाद इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है, और प्रिंट आउट लेने के बाद आपको दो जगह साइन करना है, एक यहाँ पर और एक नीचे। दोनों जगह साइन करने के बाद आपको इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं EPFO की पोर्टल पर जाकर लॉगिन करने के बाद। वो कैसे करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जब भी फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो इसमें दो पेज आपके आते हैं, पार्ट टू आता है, पार्ट टू आपको नहीं भरना है। दोस्तों जब हम ऑनलाइन अपने PF को निकालने के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है अपने अकाउंट में। उसके बाद हमें जाना होता है ऑनलाइन सर्विसेज पर और क्लिक करना होता है क्लेम पर। हमें यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर वेरीफाई करना होता है। यस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और क्लिक करना है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो अगला स्क्रीन दिखाई देगा यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है PF विड्रॉवल फॉर्म को। जैसे ही आप फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे नीचे आप देखेंगे अपलोड फॉर्म 15H का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो आपने फॉर्म को फिलअप किया है, फॉर्म 15G को फिलअप किया है, उसको आपको स्कैन कर लेना और यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। और आगे का प्रोसेस आपको पता ही है, जो कि मैंने अपनी अलग से एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है वहाँ से आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेस आप ऑनलाइन कैसे आप अपने PF विड्रॉवल को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।